हाय गाइस, तो आज हम बात करेंगे अगेन कोई नॉलेजफुल गेनिंग एजुकेटेड। ये मेरे पास किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वन ऑफ द फाइनेस्ट किताब है इन्वेस्टमेंट को लेके, वेदर इट्स क्रिप्टो, वेदर इट्स स्टॉक, वेदर इट इज़ बॉन्ड्स या रियल इस्टेट। तो इसके अंदर से जो मैंने चीज़ें सीखी हैं उसके मैं आपको एक आधे पॉइंट सीधा से आज बताऊँगा। मार्केट प्राइस डिटरमाइन क्या करती है, यानी एक चीज़ के पैसे बढ़ रहे हैं उसके अंदर लॉजिक्स क्या है, रैशनैले क्या है। तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम ऑब्वियसली कोई फाइंडिंग्स पे बिलीव करेंगे सही। तो तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है मार्केट फंडामेंटल। मार्केट फंडामेंटल मैं कह के थक गया हूँ, सप्लाई डिमांड, पूरी दुनिया में इकोनॉमिकली यही चलता है। दूसरी चीज़ होती है मार्केट टेक्निकल्स। टेक्निकल्स ये कि सोसाइटी है तो कैसी सोसाइटी है, ये बारिश होती है तो डूब तो नहीं जाती जैसे इन द पास्ट नया नाजमाबाद होता था, या सादी टाउन सादी गार्डन में सैलाबी रेले होते थे इस तरीके से, या डी एच ए सिटी की तरह वहाँ पे पोजेशन नहीं मिली। तो टेक्निकल्स अच्छे होने चाहिए। लाइट चली गई थी, आ गई। तो तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं, टेक्निकल हो गया, फंडामेंटल हो गया, तीसरी चीज़ सेंटीमेंटल। सेंटीमेंटल होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक चीज़ का जब इमेज ख़राब हो जाती है, इमेज इज़ एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ इमेज, वो मूवी का डायलॉग याद आ गया, तो वो बर्बाद हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम पे आपको पता है जिस सोसाइटी पे सुप्रीम कोर्ट आ जाती है, बैरियर पे भी आई थी, तो वो फ्रॉड के नाम से मशहूर हो जाती है और उस पर फिर कोई इन्वेस्ट नहीं करता अगर उसके सेंटीमेंटल्स ही ख़राब हों। लोग बस यही सोचते हैं यार मेरे साथ मसला हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे कि किसको पेमेंट दे दी, कहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। तो सेंटीमेंटल, फंडामेंटल, टेक्निकल, ये तीनों चीज़ें कॉन्स्टेंट हों। और फिर चौथी चीज़ आपको चाहिए होता है द सीक्रेट इंग्रेडिएंट इन्वेस्टमेंट का, वो है सेल्फ डिसिप्लिन और पेशेंस। बैरियर में इन्वेस्ट कर दिया आपने, मैं आपको नहीं बता सकता एक महीने में प्रॉफिट होगा, 15 महीने में होगा, हो सकता है एक महीने में उतना हो जाए जितना 15 महीने में होना हो, या हो सकता है 15 महीने में उतना हो जितना ऑल टुगेदर 1.5 साल में आपका होना हो। तो ये कभी भी हो सकता है। मुझसे लोग पूछते हैं मैं लोन लेके कर लूँ, मुझे उसकी किस्त निकालनी होगी, कैपिटल गेन हो जाएगा। सर हमें नहीं पता, इट्स फुगाजी, यानी क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता। फंडामेंटल्स ठीक है यहाँ पे, टेक्निकल ठीक है यहाँ पे, और सेंटीमेंटल भी ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का केस हो गया, पेनल्टी दे रहे हैं, पूरी दुनिया में होता है आप कुछ गलत करो आप पे पेनल्टी लगती है, आप पेनल्टी देते हैं देन यू आर लीगल। तो बैरियर के साथ भी यही हुआ। तो अब क्या होता है, जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, आपको सेल्फ डिसिप्लिन और पेशेंस चाहिए। वंस यू हैव इट, देयर इज नो नीड टू बी एक्स्ट्रा शार्प, एक्स्ट्रा एस्ट्यूट, कोई समझदार इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। आपको आइंस्टाइन या बिल गेट्स या कोई बहुत ज़्यादा तेज न्यूटन होने की जरूरत नहीं है, आपको बस सेल्फ डिसिप्लिन और पेशेंस चाहिए। वो प्रॉफिट, यू डोंट एक्चुअली हैव टू टाइम द मार्केट, यू जस्ट हैव टू वेट एंड यू विल इवेंचुअली कम आउट इन प्रॉफिट।